हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सब फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडी परसों जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर घटना चक्र के टो सीरीज से प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें चार सेशन होते हैं दोस्तों। चारों पार्ट यानी कि 50-50 क्वेश्चन का 50 हिंदी पर रीजनिंग, 50 GS मैथ और 50 GK क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सुबह हमारा हिंदी का होता है जो कि हो चुका है आज, दोपहर 1 बजे रीजनिंग होता है, ये भी आज हो चुका है हमारा प्रैक्टिस नंबर 2 का। शाम 5 बजे GS होता है, ये आज नहीं हो पाया दोस्तों, कल से फिर से कंटिन्यू होगा 5 बजे GS। रात 8 बजे वाला इस टाइम हम GK करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 2 का। प्रैक्टिस नंबर 1 कल कंप्लीट हो गया, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं बाकी के प्रैक्टिस सेट। चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए जनरल नॉलेज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2 है घटना चक्र के टो सीरीज से हम करवा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले बता चाहूंगा, अगर आपने RRB NTPC और RC ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है दोस्तों और मंडी परिषद का भी अप्लाई कर रखा है, तो इस बुक को जरूर खरीदें। अभी खरीदना काफी प्रॉफिट रहेगा क्योंकि आपका मंडी परिषद में भी मदद करने वाला है। एल्बू पब्लिकेशन की तरफ से नोट्स तैयार किया गया दोस्तों सिर्फ 35 रुपये में, ताकि सभी बच्चे इसको खरीद सकें दोस्तों। इसमें 4000 क्वेश्चन आंसर दिया गया है, वन लाइनर प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी ट्रिक एंड हैंड दिया गया है, पर मैथ के और रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। फ्री 20 मॉक टेस्ट दिया जा रहा है दोस्तों 100-100 क्वेश्चन का, जो कि आप 20 प्रैक्टिस सेट का बुक खरीदेंगे तो आपको 200-150 रुपये का मिलने वाला है। तो यहाँ पर 20 100-100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिला है, प्रीवियस क्वेश्चन मिला है रेलवे द्वारा आयोजित। साथ ही खास बात यह है कि एल्बू पब्लिकेशन यहाँ पर दावा कर रहा है कि 30% कॉमन क्वेश्चन की गारंटी दे रहा है कि इस नोट से हमारे 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका अगर आपने RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आप लोग इस बुक को जरूर खरीदें। साथ ही साथ मंडी परसद वाले भी इस बुक को अभी से खरीद लें, क्योंकि आपके मंडी परसद में भी जितने भी GS भी आने वाला है, मैथ भी आने और रीजनिंग भी आने वाला है, तो इस बुक को आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत मदद मिलने वाले हैं, आगे चल के रेलवे में भी काम आएगा। तो 35 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, जल्दी से बुक को परचेज करें। हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बुक अवेलेबल है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करें और बुक को परचेज कर लें। नहीं आता है कैसे परचेज करना है तो हाउ टू बाई का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे इस बुक को खरीदा जा सकता है, उस वीडियो को देख लें। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर समान ज्ञान का पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के वे साहित्यकार जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी यहां पर सही है, मजरूह सुल्तानपुरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, 52 का आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लखीमपुर खीरी में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि डेली के प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर भी आने लगा है, सभी लोग आंसर करते रहें। 53 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, वाराणसी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, देखिए उत्तर प्रदेश के किस नगर में उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पर सही है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, क्वेश्चन नंबर 55 का उत्तर दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पूर्वी यमुना नहर, ये सबसे पुरानी नहर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में वर्ष 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी, 56 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन ए सही है, 11.4% हुई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, देखिए सिंध सभ्यता से जुड़े निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहां पर सही है दोस्तों, आलमगीरपुर ये हिंडन में, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, देखिए
प्रथम जैन संगीत से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कीजिए एवं सत्य कथनों का चयन करें। तो यहाँ पर तीन कथन दिया गया, आइए पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन कथन सत्य है। देखिए, पहला कथन है प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा है इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। तीसरा है यहाँ पर जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगांबर में विभाजन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर दें, इन तीनों कथनों में से कौन से सही हैं। 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों के सही क्रम का चुनाव करें। बताएं कौन सा सही क्रम है बाबर के द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों के सही क्रम का चुनाव करें। 59 का राइट आंसर दें आप लोग, यानी पहले कौन उसके बाद कौन, इस तरीके से आपको सेट करना है। देखिए 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर पहले पानीपत का युद्ध लड़ा गया, पानीपत का प्रथम, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। ठीक है, इस तरीके से सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए यहाँ पर, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर सही है दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1917। 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी से ये बेगम हजरत महल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 62 का राइट आंसर दीजिए, 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, सर पैथिक लॉरेंस जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए स्थायी बंदोबस्त एवं इस्तमारारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहां पर से है, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। देखिए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी से ये 1955 में किया गया था प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 पर। देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी। 65 का सही उत्तर दीजिए। देखिए 65 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, 1988 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए 66 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। देखिए भारतीय संसद का गठन होता है किससे होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर, 67 का जो सही उत्तर दें आप लोग, 67 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारतीय संसद का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। 68 का राइट आंसर दीजिए, 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 10 वर्ष कम से कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिकीय बैंक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए 3 दिसंबर 2018 को किस देश ने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, कतर में।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, IDA। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 72 का उत्तर दें आप लोग, 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, NK सिंह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? 73 का राइट आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, संजय बारू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, देखिए हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? 74 का राइट आंसर, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया पूछा गया है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, गेहूं में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? 75 का आंसर दें, 75 का उत्तर दीजिए जल्दी। 75 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 75, ए ऑप्शन सही है, धान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, देखिए भारत के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है? 76 का राइट आंसर, 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, चावल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, 76 के बाद में 77 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेड सीड उदाहरण किसके हैं? 77 का राइट आंसर दें आप लोग, 77 का राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेड सीड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, देखिए निम्नलिखित में से किस से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है पूछा जा रहा है, बताना है आपको, 78 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, भांगड़ा, ये नहीं है शास्त्रीय नृत्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 79 का आंसर करें आप लोग, 79 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, चीन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, श्रीनिवास रामानुजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, देखिए निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर दीजिए, 82 का जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, वायलिन अली अहमद हुसैन खान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी द्वारा नहीं निर्मित होती है? 83 का उत्तर दें आप लोग, 83 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, यू आकार की घाटी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? चौरासी का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए गिर अभयारण्य है? पचासी का राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस झील का विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पुलिकट झील। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम का उत्पादन होता है? 87 का उत्तर दें आप लोग, 87 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, देखिए आपके पड़ोस के मकान में अचानक आग लग जाती है, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यहां पर सही है, आग बुझाने का प्रयास करेंगे तथा अग्निशमन दल को सूचित करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, किसी भी कार्य को स्वीकारने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से कारण आपके लिए मानक बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी यानी कि वेतन, पदोन्नति एवं विकास के अवसर, अपने कार्यस्थल पर अपने विचारों को लागू करने में प्राप्त स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 है, महिलाओं को सुरक्षित यातायात सुविधा प्रदान करने हेतु किस राज्य में निर्भया बसों का परिचालन प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसमें 156 देशों को शामिल किया गया है। कथन नंबर 2 है, भारत को इसमें 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। कथन नंबर 3 है, इसमें फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करें, बताएं कौन कौन से कथन सत्य हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के संबंध में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य हैं एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 है, देखिए जून 2018 में संपन्न गैरी वेबर ओपन 2018 में किस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर को हराकर पुरस्कार एकल पुरुष एकल का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर, नाइन्टी टू का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सही है, बोर्ना कोरिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है, केंद्र सरकार के बजट 2018-19 में मुद्रा योजना के तहत प्रस्तावित लक्ष्य है। 93 का राइट आंसर, 93 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए सही है, 3 लाख करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, देखिए किस देश की नौसेना द्वारा अभ्यास ककाड़ू 2018 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पर सही है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, देखिए अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनल FDA ने मरिजुआना से निर्मित किस दवा को मंजूरी प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही उत्तर निकलेगा आपका वो है आपका ऑप्शन सी सही है, एपिडोयोलेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, देखिए भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ पर 46वें मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है भारत के, तो 96 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया, वह कौन थी। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर, 97 का राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन ए सही है, पहली महिला IAS अधिकारी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है, देखिए 1 सितंबर 2018 को जैन मुनि तरुण सागर का निधन हो गया, वह थे। 98 का राइट आंसर, 98 का उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, दिगंबर भिक्षु थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, 24 अगस्त 2018 को किसने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर दीजिए, 99 का उत्तर दें आप लोग फटाफट, बी ऑप्शन सही है, स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस नंबर 2 का जीके सेक्शन खत्म होने वाला है। अगस्त 2018 में कौन राज्यसभा के नए उपसभापति निर्वाचित हुए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर दें आप लोग। और इस तरह हमने आज प्रैक्टिस नंबर 2 भी समाप्त कर दिया, कल हमारा प्रैक्टिस नंबर 3 फिर से स्टार्ट होगा, 9 बजे से सुबह हिंदी से लेकर रात 8 बजे जीके लास्ट सेशन होता है, ठीक है। 1 बजे रीजनिंग होता है, 5 बजे GS होता है। आज GS नहीं हो पाया था, कल फिर से कंटिन्यू होगा। 100 नंबर का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। तो दोस्तों इसी का सेशन को समाप्त करते हैं, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड
और आप लोग टाइम टेबल जान लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता आप लोग देख सकते हैं। हिंदी सुबह 9 बजे होता है, रीजनिंग दोपहर 1 बजे होता है, GS शाम 5 बजे और GK रात 8 बजे होता है। टाइम से आप लोग आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और इस बुक को अभी तक नहीं खरीदा तो जल्दी से खरीद लें, ऑफर लिमिटेड समय के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में बुक अवेलेबल है। बुक की प्राइस मात्र 35 रुपीज़ है। बुक के पेजेस की संख्या 475 पेजेस की बुक की संख्या है, जो पेजेस की संख्या बहुत अच्छी बुक है। जल्दी से परचेज कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।